शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। शस्त्र चलाने की बात कहने वाला ये चेहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं। बीते कई सालों से कई भारतीय भाषाओं में फिल्म करने वाले रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं। कलाकार से नेता बने रवि किशन जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और इस वायरल वीडियो में सांसद रवि किशन हथियार उठाने और उसको ट्रेनिंग दिए जाने जैसी बातें कर रहे हैं। रवि किशन अपने संबोधन में भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या के साथ हो रहे अन्याय का उदाहरण देकर हथियार की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मालीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के समापन के अवसर का है, जहां पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अपने संबोधन में कहा कि संतों के साथ योद्धा भी बनाइए, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ चलेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, साधु बनेंगे, संत बनेंगे, विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, लेकिन योद्धा बनिए, शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। रवि किशन जब ये बात कर रहे हैं तब उनके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो वहां शिक्षा दीक्षा लेते हैं। रवि किशन के इस वीडियो को लेकर लगातार खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रवि किशन जिस लड्डू का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर इस वक्त भारी धार्मिक राजनीति बवाल मचा हुआ है। यह पूरा विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान से शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डुओं में पशु की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। टीडीपी ने कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई जिसमें दिए गए घी के नमूनों में पशु की चर्बी और मछली के तेल की भी मौजूदगी बताई जा रही। वहीं रवि किशन के इस बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।